नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम ये मालूम करने वाले हैं कि आखिर एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाता है। अगर आप सही ढंग से तुक्का लगाना जान गए तो आपका डेफिनेटली है कि अगर जिस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पर आपका 20 से 25 नंबर कन्फर्म है कि तुक्का के द्वारा 30 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को केवल अंत तक देखकर तुक्का लगाना समझ गए तो 100% बोलते हैं कि 20 से 25 नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इंसान कितना भी तैयारी करके जाए उसे 30 से 40 क्वेश्चन तुक्का के भरोसा ही मारना पड़ता है। ये हम हो या किस कोई और हो, क्योंकि अगर तुक्का के 3-4 तो कंडीशन है, कौन कौन से कंडीशन है सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि तुक्का के माध्यम से आज से आप जिस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा वहाँ पर आप 25 से 30 नंबर 100 में आसानी से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। किसी भी तरह का प्रश्न पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर बिहार पुलिस का मटेरियल, हिंदी का मटेरियल आपको PDF के रूप में वहाँ पर फ्री में मिल रहा है, जाकर आप ले सकते हैं। और बिहार पुलिस का सबसे अलग ढंग से तैयारी करना भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं, लिखा है कि बिहार पुलिस परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। अगर तुक्का लगाइएगा तो एकदम कन्फर्म है, आज के बाद एक जो एक्सपेरिमेंट अपना बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं, इस प्रयोग को अप्लाई करके देखिएगा, आपका कन्फर्म है कि आपका नंबर 25 से 30 जरूर बढ़ेगा। अगर आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, ये भी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाकर आपको अलग अलग टाइप से बता देंगे, एकदम तुक्का लगाइएगा। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के पेपर में क्या होता है कि 50% कितना, अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 50 क्वेश्चन जो होता है आप इजली बना लेते हैं, उसमें किसी भी तरह का एक तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु 30 क्वेश्चन ऐसा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, वो आपके सामने दो ऑप्शन लाकर रख देगा कि ए होगा कि बी होगा, मतलब इस टाइप से दो ऑप्शन आपके सामने पेश कर देगा। ये हो गया 80 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसमें चारों ऑप्शन, मतलब तीन ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, मात्र यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन जानते हैं, तीन ऑप्शन तो जानते ही नहीं है कि क्या आंसर होगा। तो ये तीनों कंडीशन आज आपको बता देंगे, तीनों कंडीशन के माध्यम से आपका नंबर बढ़ जाएगा। ये 50 वाला तो जान गए कि वन लाइनर रहता है, इजीली बना देते हैं। अब आइए यहाँ पहले, अब हम बात करते हैं जो 50-50 का होता है, क्या क्या 50-50 वाला, उस पर पहले आइए, ठीक। लिखा है अगर पहला क्वेश्चन इस टाइप से अगर एग्जाम में मिल जाए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक। अब मान लीजिए आप 28 तो स्टेट है उसका राज्य राजधानी याद नहीं किए हैं, फंस जा रहे हैं मैटर में, तो आपको कुछ ना कुछ 28 राज्य में से, मानते हैं कि आप 20 राज्य का याद किए हैं, 22 राज्य का याद किए हैं, तो कुछ ऑप्शन पर जाइएगा। आपको मालूम ये चीज़ आप जान रहे हैं अच्छे से कि पटना जो है आपका बिहार की राजधानी है, ठीक। और दो हाईलाइट नाम जान रहे हैं, लखनऊ जो आपका है ये UP की राजधानी है, दो चीज़ तो जान रहे हैं, लेकिन मैटर यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन बी पर फंस गया कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगा कि देहरादून होगा। ये एक सैंपल के रूप में आपके सामने पेश किए हैं कि देहरादून होगा कि शिमला होगा। तो करना क्या है, अगर इस टाइप से अगर आपको 30 क्वेश्चन मिल जाए तो पहले ही दो ऑप्शन छाँट कर ये दो ऑप्शन पर गेम खेल जाना है। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो 30 में 20 नंबर यहाँ से, जो ये 30 है, 30 में 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने दो ऑप्शन पहले ही छाट दिया है
और यहाँ बी और सी में गेम खेल रहे हैं। अगर आपका नसीब खराब है, नहीं साथ दिया, तब भी आपका 12 से 15 नंबर किसी के बस की बात नहीं है कि तुक्का लगाइएगा तब भी रुक सके आपका। पहला कंडीशन ये था जो बता दिए, 50-50 चांस आ गया, यानी दो ऑप्शन में आपका मैटर फंस रहा है कि कौन होगा नहीं होगा ऑप्शन छांटने के बाद, तब ये कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब कुछ बताएंगे, एक्सपेरिमेंट को लागू करके आप जरूर देखिएगा। लिखा है कि अगला क्वेश्चन कि भारत का पड़ोसी देश कौन है। आपको मालूम हो कि हमें भारत के सभी पड़ोसी देश नहीं मालूम है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जान रहे हैं कि पड़ोसी देश का अर्थ होता है कि मेरे से सटा हुआ या कुछ दूरी पर होगा, उसी को पड़ोसी देश बोला जाता है। तो अब चलिए ऑप्शन के तरफ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मेरा पड़ोसी देश है क्योंकि ये हम ही सबका औलाद है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब छांटिएगा, सिंपल है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। मालूम होना चाहिए कि चीन, अगर आप भी जान रहे हैं कि भाई चीन भी मेरा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी मेरा पड़ोसी देश है, मेरा नाती है, ठीक, इस तरह से जान रहे हैं। लेकिन ये जान रहे हैं कि ईरान जो है ये मेरा पड़ोसी देश नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरे से बहुत दूरी पर है। आपको मालूम है कि आपसे जो दूरी पर है वो पड़ोसी नहीं हो सकता है, तो ईरान को यहाँ काट दिए। लेकिन पूछा है कि भारत का पड़ोसी देश वाला ऑप्शन कौन है, जब वहाँ पर ईरान काट दिए तो खोजिए कि ईरान आखिर है कहाँ पर। जो चीज़ वहाँ पर छटेगा वो आपको क्वेश्चन में तीन जगह दिखाई दे देगा, एकदम इजीली क्वेश्चन ऐसे ही सेट रहता है। तो देखें यहाँ पर भी ईरान है, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें भी ईरान दिखाई दे दिया। अब इसके चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जाना है, यहाँ पर चुपचाप ईरान दिखाई दे दिया, काट दिए। अब आइए यहाँ पर भी ईरान दिखाई दे दिया तो इसको भी काट दिए। अब ये तीन तो ईरान एक ऑप्शन पकड़ा गया, देखिए बताए थे ना, एक ऑप्शन पकड़ा गया ईरान, इससे तीन तो ऑप्शन क्लियर हो गया कि मेरा आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो चौथा पर भी फिक्र निशान लगा दीजिएगा, ठीक। ये था आपका दूसरा टाइप, अगर इस टाइप का प्रश्न आए तब। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ऑप्शन, ऑप्शन अच्छे से छांटना सीख गए तो रिजल्ट आपका जरूर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे दिया। मान लीजिए कि आप लोग इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश से आपका 5 से 7 प्रश्न पूछ दिया, एको को इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, तब क्या कीजिएगा। उस कंडीशन में ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 5 प्रश्न दिया है, पांचों में किसी में OMR को नहीं रंगे हैं, तब क्या करना है इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको बिहार पुलिस का मटेरियल लेना है तो जो टेलीग्राम का लिंक दिए हैं उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह के पैसे की बात नहीं किया जाता है। और इस चैनल पर बिहार पुलिस की आपको तैयारी सबसे अलग अंदाज में कराया जाता है, ठीक, इसलिए दम वीडियो को दबाकर शेयर करना है। और ये जो ट्रिक बता रहे हैं अगर अप्लाई करके देखिएगा, पसंद पड़ेगा तो एकदम फिर दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को भलाई हो सके। अब समझिए, अगर मान लीजिए इंग्लिश हो गया या हिंदी, जो भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है, 5 क्वेश्चन लगातार आपसे नहीं बना, 5ों में कोई समझ में नहीं आया कि इसका क्या होगा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि चुपचाप ए और डी को छोड़ देना है, बी या सी में से लगातार 5 कलर कर देना है। क्या बोले, ए या डी छोड़कर बी और सी में से लगातार 5 कलर कर दीजिएगा। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो 3 से 4 निकलेगा, अगर नसीब कितना भी खराब है तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। क्या बोले, अगर 5 क्वेश्चन लगातार आपसे नहीं बने तो बी और सी में से लगातार 5ों का बी या 5ों का सी जो ऑप्शन दिया रहे, 5ों का बी या 5ों सी दोनों में से कोई एक के लगातार को कमेंट कर दीजिएगा। आपका ये नहीं बोल रहे हैं कि 5 में 5 आ जाएगा, आपका 2 नंबर 3 नंबर
कहीं नहीं जाएगा, डेफिनेटली आपके अकाउंट में वो नंबर जुट जाएगा। ये था तुक्का लगाने का सबसे सही तरीका। अगर आज के आपको तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका पसंद पड़ा होगा तो इसको अप्लाई करना है। जब OMR पर अप्लाई करिएगा तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास लेकर। इसलिए इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और तुक्का लगाने का जो कंडीशन 3 बता दिए हैं एकदम अप्लाई करिएगा। 20 से 25 नंबर आपका ज़रूर बनेगा। क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन से ज़्यादा ध्यान ऑप्शन पर रख कर बनाना है।